देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूँ अपर्णा मौजम। चुनाव एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है। चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंच गई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट में क्या कुछ समीकरण बना हुआ है, सियासी मिजाज क्या है, जनता क्या कह रही है, वादों का हिसाब किताब क्या है, सब कुछ। और हमारे साथ आज यहाँ पर रायपुर की जनता भी जुड़ी हुई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रायपुर की जनता का। जी हाँ, जो खोलेगी हिसाब किताब, बताएगी वादों के पिटारे का हिसाब किताब खोलेगी और बताएगी कि 5 साल में कौन से वादे हुए पूरे, कौन से वादे रह गए अधूरे। और साथ ही जनता के सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन पोडियम पर है आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस का पक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी, जोरदार तालियां हो जाए। बीजेपी का जोरदार तालियां हो जाए। उचित शर्मा जी हमारे साथ ये हैं जो बताएंगे कि सियासी हार रही है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो इस पोडियम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम लगातार इस बात को दोहराते रहते हैं चुनाव एक्सप्रेस का सफर जहां भी जारी रहता है कि देखिए बोलने का मौका आज इस जनता को मिलेगा, क्योंकि 5 साल में ये मौका मिलता है जब जनता सवाल पूछती है अधिकार के साथ और नेता सामने होते हैं, जवाब देने के लिए मजबूर भी होते हैं। सवालों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रजमोहन जी, मजबूत सिपाही हैं बीजेपी के, हर बार दाव ब्रजमोहन जी के कंधों पर ही क्यों, और क्यों जनता उन पर भरोसा करे? देखिए, निश्चित रूप से माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। जिस काल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं हुआ करती थी, उस समय से वो संघर्ष करते हुए सभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होना और मतदाताओं के साथ और जनता के साथ मिलजुल कर परिवार भाव से रहना, ये उनकी प्रमुख विशेषता रही है जीवन की। राजनीति से ज्यादा उन्होंने एक दूसरे को सुख दुख बांटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कद्दावर नेता जो जनता के साथ सुख दुख बांटते हैं, बैठते हैं और विकास की नई गाथाएं, पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने अनेक काम किया, राजिम कुंभ का निर्माण किया और रायपुर शहर की राजधानी आज देखें आपकी, रायपुर शहर और पूरा छत्तीसगढ़, 15 साल उन्होंने मंत्री पद पर गुजारे और कहां से कहां हमारा छत्तीसगढ़ सब मिलकर उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर नेता हैं और वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कृति परंपरा को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहां मतदाताओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी इस बार मुझे ऐसा लगता है कि देश का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जीत का और हम सबसे बड़ी जीत के साथ भारत देश में सामने आएंगे। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मैं फिर से कहूंगा कि ब्रिजमोहन भैया, आज का वातावरण यहां कर देख रहा हूं, जो कांग्रेस की सुस्ती है, कहीं आप भी देखे होंगे ना, झंडे दिखते हैं ना, बैनर ना पोस्टर। अभी मैं देख रहा था हमारे विकास भाई का रोड शो देख रहा था तो बहुत फीका लग रहा था, थोड़ा सा मन में दुख भी हुआ, पर क्या करोगे, बयार ऐसी चल रही है, बयार ऐसी चल रही है। 9 विधानसभा सीटें हैं रायपुर लोकसभा में, 8 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास। इस स्कोर कार्ड के साथ सर, विकास उपाध्याय, ब्रजमोहन भैया जिनके नाम को लेकर ये लंबी लंबी फेरिस्त गिनवा रहे थे, कहाँ हैं? देखिए, विकास उपाध्याय जनता के बीच में हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ना केदार गुप्ता जी, कि विकास उपाध्याय जी को रैली को देखने गए थे। क्यों गए थे भाई, क्या डर सता रहा है आपको? क्योंकि विकास उपाध्याय जी जनता के बीच में रहते हैं। लॉकडाउन का समय था जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने घर में ताला लगाकर एसी में सोए हुए थे ना, तब विकास उपाध्याय जी लोगों को दवाई पहुंचाते थे, विकास उपाध्याय जी राशन पहुंचाते थे, उनके आने जाने की व्यवस्था करते थे इस शहर का। वो पश्चिम विधानसभा के विधायक रहे हैं, लेकिन एक लोकसभा के जो प्रत्याशी और सांसद जो होते हैं उसकी भूमिका को निभाने का काम किए हैं छत्तीसगढ़ में। चाहे कोई नागपुर का व्यक्ति आया हो रायपुर शहर में, उसको अगर भोजन देने का काम किया तो विकास उपाध्याय ने पहुंचाया, दवाई देने का काम किया तो विकास उपाध्याय ने किया। मैं तो पूछता हूं ना, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कहां थे? ठीक है, कद्दावर नेता है, स्वागत, हम भी उनका अभिनंदन करते हैं। और 40 साल से ये रायपुर लोकसभा सीट पे ना भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मैं पूछता हूं, इन 40 वर्षों में मेरे सामने जनता बैठी हुई है, रायपुर लोकसभा के सांसदों ने 40 वर्षों में ऐसा कौन सा काम यहाँ किया कि दोबारा ब्रिजमोहन अग्रवाल का जीता जाए? इसका जवाब जनता भी देगी और मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी भी देंगे। सर, जल्दी से आपका जवाब सर, फिर आगे बढ़ूंगी। देखिए, कोविड की बात है, मैंने इसलिए आपको कहा 5 सेकंड दीजिएगा।
माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने अपने एक बिल्डिंग को पूरा कोविड सेंटर बनाया था, आप सबको याद होगा, और एक पैसा किसी से नहीं लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर भोजन की व्यवस्था, योग व्यायाम, सारी चीजें की। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरा होटल का व्यवसाय है, हम 800 1000 1200 पैकेट बनाकर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भेजते थे। अरे कम से कम 15 टन सूखा अनाज हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से बांटा है। और माननीय भूपेश बघेल का क्या बयान आता था मुझे तो याद है, मैं आपको स्मरण दिला देता हूँ कि सारे कलेक्टर ही संभालेंगे क्योंकि मंत्री घर में कोरोना के डर से बैठे। आप उठा के देख लीजिए पेपर, उन्होंने कलेक्टर के भरोसे छोड़ दिया था। चुनाव ये जीते सर, सियासी मिजाज क्या कह रहा है, क्या है हवा? देखिए हवा तो तरीके से पुराने छत्तीसगढ़ बनने के बाद जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, शुरू से मैं कह रहा हूँ 2000 के बाद से भी, आप इसे कह सकते सीट एक सीट दो सीट कांग्रेस की हमेशा से रही है, लेकिन ये पहला चुनाव हो लोकसभा में जा रही है, इसके पहले 5 साल कभी उन्होंने शासन नहीं किया और लोकसभा में नहीं गई। 5 साल शासन करने के बाद पहला चुनाव 2000 से 2003 तक था, उसके बाद वो लोकसभा में गए। इस साल 5 साल कंप्लीट उन्होंने टेन्योर कंप्लीट करने के बाद अब वो चुनाव में गए हैं अपनी रीति नीति के साथ, तो अभी मुझे लगता है कि अभी संघर्ष देने की स्थिति में है। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा, कांग्रेस जो है अपने टेन्योर कंप्लीट करने के बाद अपनी रूरल इकोनॉमी को लेकर जो काम किया है उन्होंने, या जो अन्य क्षेत्र, रिपोर्ट कार्ड है दिखाने के, है आप किसानों को लेकर उन्होंने जो काम किया, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा चुनौती इस बार भाजपा और कांग्रेस में थोड़ी सी क्लोज फाइट। पहले तो हम कह सकते थे कि 9 सीट आएगी भाजपा की, 10 सीट आएगी, 11 की 11 सीट भी आ सकती है, लेकिन इस स्थिति में इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। सबसे अच्छी बात की इस स्थिति में, इस टक्कर में कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। जनता अपने आप से उठ रही है, जनता अपने आप से बात कर रही है, जनता जो सही लग रहा है गलत लग रहा है उस पर जाने की वो कोशिश कर रही है। अभी भी ये स्थिति, पहले 2 सीट पे फाइट मानी जाती थी, आज 6 से 7 सीट पे आप फाइट मान सकते हैं, मानी जा रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है सर। के सर, मुद्दे क्या है, बड़े मुद्दे जो छाए हुए हैं, क्योंकि देश का चुनाव है, लेकिन क्या देश के मुद्दों पर बात हो रही है या लोकल इश्यूज है? क्योंकि राजधानी है इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। 370 राम मंदिर से लेकर तमाम प्रकार के मुद्दे, जो धर्म आरक्षण की बात है, तमाम विषय राजधानी के बुद्धिजीवी वर्ग है इनके लिए है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी अपने विषय हैं कि छत्तीसगढ़ को क्या राज्य निर्माण के बाद जितना विकास होना चाहिए, आज 1,47,000 करोड़ का बजट पहुंच चुका है, 1,00,000 करोड़ का यदि उधारी है छत्तीसगढ़ सरकार पर, तो ये जनता को समझना है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसके वास्तव में लाभ उनको कितना मिल पा रहा है। दूसरी चीज है, राजधानी में हम है तो राजधानी में आप देखिए मूत्रालय से लेकर के कार्गो तक की समस्या है, कार्गो की मांग उठ रही है। यहाँ पे वनोपज की बात करें, चाहे विभिन्न प्रकार के फूड प्रोसेसिंग प्लांट की आवश्यकता है यहाँ पे, बस्तर को विकास के रास्ते पे ले जाना है, सरगुजा से लेकर बस्तर तक। और हवाई यात्रा, घरेलू हवाई सेवा शुरू हुई थी वो बंद हो चुका है। अभी सामने में आप देखेंगे यातायात कितनी समस्या है कि जाम की स्थिति के, यहाँ पे एक आगे जाएंगे तो बना हुआ एक स्मारक के रूप में बना हुआ है फ्लाईओवर जो बना के रखे यहाँ पे, उसकी क्या स्थिति होगी, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं दोनों राजनीतिक दल के। आखिर एक फ्लाईओवर का राजधानी में क्या उपयोग है, आगे बनेगा कि नहीं बनेगा। स्वास्थ्य की समस्या देखिए, एम्बुलेंस से लेकर के आने जाने की क्या व्यवस्था है, एजुकेशन हब बनाने की बात कही जा रही है, नया रायपुर बनाए, नया रायपुर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए, लेकिन लोग नहीं है वहां रहने के लिए, क्यों नहीं है वहां पे? इमारतें खड़ी करने से कुछ नहीं होगा सर। सर माइक तो मेरे हाथ में रहेगा और सिंहासन आपको छोड़ना होगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत धन्यवाद। ये महासंग्राम में जिस प्रकार की चर्चा वर्तमान शासन और उनकी प्रणाली को लेकर हो रही, निश्चित सराहनीय है। हम तो साहित्यकार अपनी नजर से देखते हैं कि जुग जुग नाव निर्माण करे वर जांगर पेर कमाथन, और ये माटी मा उपजन बाढ़ेन माटी के गुण लागाथन। तो माटी से जुड़े हुए सवाल और माटी पुत्र मन के सम्मान होना चाहिए। अवैया चुनाव के रिजल्ट कुछ हुआ है, हमला माटी की सुगंध पूरा देश दुनिया में बगराना है। क्या कहना है आपका जी मैडम? मैं यूथ में देश की बात करूंगा। मुझे लगता है जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं, और क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा मैं यूथ हूं, तो मैं देखता हूं कि पिछले 10 सालों में हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या दिया।
तो मैं यूथ होने के नाते देखता हूँ कि सबसे पहले हमारे देश को, हम जैसे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, देश में बेरोजगारी बढ़ी। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इंडिया का बढ़ा तो पिछले 10 सालों में बढ़ा मैडम अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई बढ़ती गई, आप देखिए किसानों को ठगा गया, काला कानून ये लाते हैं परेशान करने के लिए, फिर ये बाद में वापस लेते हैं। आज आप देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण वर्ग जवान और किसान आज इनके राज में आमने सामने सड़क पर खड़े। मुझे लगता है युवा होने के नाते इससे ज्यादा शेमलेस मैं कभी फील नहीं करता। दूसरी बात आप देखिए पेट्रोल आज 100 रुपए पार है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार है, एलपीजी गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपए पार है। तो आप देखिए महंगाई जो है आसमान छू रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ठीक है, देखिए खड़ा होना पड़ेगा आपको। थैंक यू। 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा था कि यहाँ पे बेरोजगारी दर 1.5% हो गया, तो भी भाई साहब को नौकरी नहीं मिली। बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस शासन काल में भी इनको नौकरी नहीं मिली, जबकि भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा कि कोई बेरोजगार बचा ही नहीं। तो ये मुद्दा तो ये बेवजह उठा रहे हैं। और आज देश तरक्की और विकास के रास्ते पे चल रहा है, मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते विकास हो रहा है। लेकिन सर एक सवाल मैं यहाँ पर आज उठाना चाहूंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा में आए थे, वहां उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार का नाम शिवा है, अब शिवा राम का सामना करेगा, आप राम ले आते हैं वो शिव को ले आए। देखिए पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में बोलना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन भी एक ज्योतिर्लिंग का नाम है, भगवान शिव का नाम है, और उनका बेटा प्रियांश ये कहता है कि जो सनातन धर्म है वो महामारी है, डेंगू है, इसे जड़ से खत्म करना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन का नाम परिवार वालों ने मल्लिकार्जुन तो रख दिया, परंपरा संस्कृति और अच्छी बातें सिखाना भूल गए कि वो उनका बेटा सनातन की बुराई करता है और ये यहाँ खड़े होकर शिव और राम की लड़ाई करते हैं। तो मैं सोचता हूँ बेटा ऐसा बोलता है तो पिताजी तो और आगे होंगे। एक मिनट मैडम, और वो यहाँ पर दिख गया, राम और शिव का कभी युद्ध नहीं हुआ, पर खड़गे जी ने राम और शिव का युद्ध करा दिया, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं, सनातन को जानते ही नहीं। आप कहते हैं कि इधर उधर की बात मत कर, बात मुद्दों की होगी, फिर शिव को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई जांजगीर चांपा जो प्रत्याशी है उसका नाम शिव कुमार डहरिया है और भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता, उनके नाम राम विचार नेताम है। अगर राम विचार नेताम बयान देते हैं ना तो जवाब शिव कुमार डहरिया देते हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को तो कुछ नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है, न 100 दिन में महंगाई कम कर पाए, न 2 करोड़ रोजगार दे पाए, न देश से भ्रष्टाचार मुक्त कर पाए। स्थिति ये हो गई है कि ठेका दो और चंदा लो, 900 करोड़ रुपए का ठेका लोगे तो 90 करोड़ रुपए भाजपा को देना पड़ेगा। 1440 करोड़ रुपए का ठेका मिला है किनको, आपको पता है, और 100 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉन, और सबसे बड़ी बात कोविड सील, अभी आप देखो ना 52 करोड़ रुपए में इस देश के नागरिकों के जान को जोखिम में डाल दी नरेंद्र मोदी की सरकार। कल ही रिपोर्ट आया, मैंने कहा बहुत सारे चैनल दिखाया है, तो इन आदमी पर क्या भरोसा जो पैसे के लिए किसी जान के खतरा उत्पन्न कर दे, कोविड सील लगाने वाले तनाव में है। ठीक है, देखिए कांग्रेस जब भी हार के पूर्वाभास से ग्रसित रहती है, इनके पास दो ही काम बचते हैं, एक भ्रम फैलाना और दूसरा भयभीत करना। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर खुले तौर पर देश की जनता को यहाँ पर भ्रमित करने का और भय फैलाने का काम हो रहा था, ये ऐसा ही व्यवहार इनका कोविड काल में रहा। वैक्सीन को लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर में नाना प्रकार के भ्रम फैलाए गए, यहाँ तक कि उस वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाने के ऊपर सवाल उठा करके ऐसे प्रयास किए गए कि लोग वैक्सीनेटेड ना हो पाए। ये कांग्रेस के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है। और जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार ये सवाल उठा रहे हैं मुद्दों की बात, ये केवल डिबेट में मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं इनको मुद्दे की बात करनी होती है। कोई कहता है कि मोदी जी का सर फोड़ दो लाठी उठा करके, कोई गाली देने की बात करता है, कोई अशोभनीय टिप्पणी करता है। ये जो नाना प्रकार के दिक्कतें कांग्रेस पैदा करती है, कह रहे हैं मेरे भ्रष्टाचार जनता पार्टी के मित्र, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज इन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से लोगों को लाइन में लगा रहे हैं, फिर नया राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगाए हैं। नए राशन कार्ड में हम 35 किलो 3 लोगों के हिसाब से और प्रति व्यक्ति के हिसाब से 10 किलो ज्यादा देते थे, ये पर व्यक्ति 5 किलो चावल दे रहे हैं। ये जनता को चावल देना तक बंद कर दिए हैं, इसका जवाब क्या देंगे आप बताइए? ठीक है, जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर एक जी सर। मैं प्रदेश के अनियमित कर्मचारी वर्ग से हूँ, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से है। प्रदेश में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है,
कांग्रेस ने सत्ता में आने पूर्व हमको 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन उसने 5 साल हमको टाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी हमको आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार आएगी तो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी उसको नियमित करेंगे, लेकिन इन तीन चार महीनों में हमारी स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। दिनों दिन हमारे जो साथी हैं कर्मचारी उनको निकाला जा रहा है। हमने अनेक स्तरों पर आवेदन निवेदन किया है। क्या करेंगे आप, क्या है आपके पास जवाब इसका? 5 साल तो उन्होंने टाल दिया, भरोसा आप पर किया, आपने क्या किया? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार चुनाव में खड़ी थी पार्टी 2018 में, तो ये घूम घूम कर कहते थे सबको हम नियमित करेंगे, और भाई साहब कह रहे हैं उन्होंने वादा किया था 5 साल में कुछ नहीं किया। मैं दावे से कहता हूँ कि अभी विष्णुदेव का सुशासन आने के बाद किसी को नौकरी से निकाला नहीं है, एक भी व्यक्ति को नौकरी से निकाला नहीं है। आप जो कह रहे हैं 3 महीने से नौकरी को निकाला, ये बात आप गलत कह रहे हैं, मैं दावे के साथ टेबल ठोक कर कहता हूँ। दूसरी बात, अभी 3 महीने हुए सरकार को आने आए हुए, और हम सारे कर्मचारियों को कहा नियमित करेंगे तो करेंगे, ये मोदी की गारंटी है और विष्णुदेव का सुशासन है। मैं आपको 1 मिनट 15-20 सेकंड दीजिएगा, एक बात कहता हूँ। हमने कहा था 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, 145 लाख टन धान खरीदा, 33,000 करोड़ रुपए उसका पेमेंट हुआ, एक साथ उसका बोनस का पैसा दिया 13,216 करोड़ हुआ, 2 साल का बोनस कहा था हम देंगे उसका 3,716 करोड़ दिया। अरे महतारी वंदन योजना का 2100 करोड़ रुपए महतारियों को 3 किस्त में जा चुका है। सबसे बड़ी बात, जब आपने गरीबों और दलितों का आवास छीन लिया, प्रधानमंत्री आवास, 18 लाख आवास एक साथ स्वीकृत करने वाली विष्णु का सुशासन है, 8,000 मोदी की गारंटी वो दे रहे हैं, लेकिन एक मिनट सर, सर समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बताइए आपकी क्या छत्तीसगढ़ में राम मंदिर की गूंज है, और इसी वजह से कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो शिव को ले आए हैं? अरे देखिए, इन्होंने राम पे राजनीति की, जब राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर बन गया, अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, फिर ये कहते हैं भाजपा राम की राजनीति करता था। अरे भाजपा सनातनी है, भाजपा विश्वास करता है भगवान पे, उसकी राजनीति नहीं करता है, और अब ये शिवजी को ले आए, इनकी शिवजी पे भी राजनीति नहीं चलेगी, जब शिवजी का काम हो जाएगा तो पता नहीं किस भगवान को ले आएंगे। ठीक है मैडम, मैं पूछना चाहूंगा केदार गुप्ता जी से कि ये छत्तीसगढ़ का राजपत्र है, इसका कोई कीमत है कि नहीं कीमत है? कि आपके प्रशासन में, अभी आपने कहा कि सरकार में किसी की नौकरी से नहीं निकाला गया है, और अभी एक कोर्ट का आदेश आया कि 4500 शिक्षकों को टर्मिनेट करने का आदेश दिया जा रहा है, जबकि राजपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, व्यापम ने प्रतियोगी परीक्षा लिया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, और अचानक से ऐसा आदेश आ जाता है कि हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा, हम लोग इतने पीड़ित हैं, वो 42 दिन का समय दिया गया है, वो 42 दिन पूरा होने वाला है। मेरे भाई ने कहा कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट का आदेश और सरकार के आदेश में अंतर होता है मेरे मित्र। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से आपके लिए हम लड़ेंगे, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। कोर्ट के सामने हर आदमी को खड़ा रहना पड़ता है, और मैं आपको इस चैनल में गारंटी देता हूं आपके साथ अन्याय नहीं होगा, विष्णु का सुशासन है, आपके साथ न्याय करेंगे। जब आप कोई चीज बोलते हैं तो थोड़ा ध्यान दिया करें। आपने कहा सरकार का आदेश नहीं, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है जी। कल मोर जो प्रश्न है, आप दोनों पार्टी से है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़िया पुत्र हूँ, हम ना संलग्न है, यहाँ से 9 सांसद और 10 सांसद देहन, ओकर बाद भी यहाँ के राजभाषा छत्तीसगढ़ी है, 8वीं अनुसूची में नहीं है, पहला। दूसरा, कल कांग्रेस वालों ने बोरे बासिक तिहार इंस्टाग्राम से लेकर सब में मनाई से, 28 नवम्बर के राजभाषा दिवस होते, इलाका बार नहीं मनाया जाए। तीसरा यह बात है, छत्तीसगढ़ी शिक्षा कामकाज और रोजगार में गायब है। 2013 से रविशंकर विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी भाजपा सरकार खोले, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ी में कोई रोजगार नहीं मिले है। का एक चीज बार आप दोनों पार्टी आवाज उठाऊ का, ये छत्तीसगढ़ के अस्मिता के मुद्दा आ रहे। आप आऊंगे सर, पहले बहुत अच्छा सवाल युवा ने उठाया है, और मैं इस युवा साथी को बता देता हूँ, अब तो हम सरकार में है नहीं, लेकिन भेंट मुलाकात के दौरान जब इस विषय में सवाल आया था कि छत्तीसगढ़ बोरेबासी तो आप मनाते हैं, और उसके अलावा उसी सवाल है, ज्वाइंट सवाल इसमें, तो उस दौरान आप देखेंगे हमने कहा कि छत्तीसगढ़ी में जो एमए कर रहे हैं उनको शिक्षक भर्ती और अन्य जगह अवसर दिया जाएगा, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम उस दौरान आपसे वादा भी किया था। और तीसरी बात, बोरेबासी की बात ने कहा, स्वाभाविक बात है, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम बोरेबासी भी खाते हैं, हम छत्तीसगढ़ में गोठियाते भी हैं, का हाल चाल, बने बने सुग्घर है कि नहीं है? लेकिन जब सरकार में हवाए ते मतलब का पी रहते छत्तीसगढ़ी गोठियाए बार, छत्तीसगढ़ी बोरेबासी खाए बार, काली जुवर तो कई अरुण साहू जी है ना, हमारा सरकार छत्तीसगढ़ी गोठियावाए न छत्तीसगढ़ी बोरेबासी खावाए, तो छत्तीसगढ़िया के विरोधी कौन है? तुम पहचानना है बोला। ठीक है सर, पहले तो इनकार होता रहा, फिर लेकिन हमने देखा सीएम साहब भी बोरेबासी खाते हुए नजर आए। देखो, इनकार हमन कभी नहीं करे हन। अरे छत्तीसगढ़ के पहचान कौन बना है? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज बना है, नहीं बना है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और
अब मैं एक बात बताता हूँ, दूसर बात, पढ़े लिखा दिखा था जवान, मोर बात ला सुन ले, सुनने के बाद तोर कर आही ना जब गुठिया लेबे, ऐसे छत्तीसगढ़ में नहीं होए, तोर बारी आई ना जब बोले छत्तीसगढ़ हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। जहां तक राजभाषा का सवाल है ना, तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ को राजभाषा बनाया है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा है। और मैं फिर से कहता हूँ, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। सवाल अगर सवाल बोरेबासी का है, ओ मैडम ये छत्तीसगढ़ है, बोरेबासी यहाँ का व्यंजन है, हम रोज बोरेबासी खाते हैं, ये कांग्रेसी आकर एक दिन खाकर चले गए, ये बोरेबासी का अपमान है, बोरेबासी रोज खाते हैं भाई। ठीक है, मेरा केदार जी से ये सवाल है, केदार भैया एक मिनट सुन लीजिए, आपसे ये सवाल है मेरा छोटा सा, कि आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाया गया रमन सिंह जी के द्वारा, ठीक है, लेकिन जो भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अब की उनकी जो भी वो क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड, अस्मिता और संस्कृतियों को आगे बढ़ाया, बढ़ावा दिया और देश में फैलाया, देश में उन लोगों की उसकी पहचान कराई, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? और मेरा आपसे एक सवाल और है कि जो मोदी जी की गारंटी अभी आई है 2024 के चुनाव की, उसमें न शिक्षा को लेकर कुछ है, न स्वास्थ्य को लेकर कुछ है, न किसानों को लेकर कुछ है, न युवाओं को लेकर कुछ है, आप उस चीज पे आप क्या बोलना चाहेंगे, आप मेरे को ये बता दीजिए उसका क्या जवाब। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाया तो हम लिखते थे विश्वसनीय छत्तीसगढ़, और जैसे ही भूपेश बघेल जी आ गए तो वो हो गया घोटालों का छत्तीसगढ़। ये पहचान ये अस्मिता बनाई है, महादेव सट्टा ऐप, शराब घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, अरे मैडम आप चौके से चावल चुराने वाले भूपेश बघेल की सरकार थी, जब 5 किलो 80 करोड़ लोगों को चावल दिया, हम गढ़बो छत्तीसगढ़ बोले, ये बेचबो छत्तीसगढ़ वाले हैं, रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ बेचा। ठीक है, पीछे 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 पीछे। मेरा नाम अर्पित दीक्षित है, छत्तीसगढ़ में हमेशा सर सुन ली, छत्तीसगढ़ में हमेशा से लोकसभा में हमने बहुत 11 में से 10 सीटें लोकसभा में भाजपा को दी है, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ को बहुत ही उपेक्षा में रखा गया है। आप रायपुर से नागपुर रोड पे देखेंगे, नेशनल हाईवे का अभी तक कोई निर्माण सही से नहीं हुआ है। 2014 में अमित शाह जी ने 4 फ्लाईओवर रायपुर से भिलाई तक के उद्घाटन करके गए थे, जिनका भूमि पूजन शिलान्यास किया था, आज भी वो 4 फ्लाईओवर पूरे तरीके से चालू नहीं हुए हैं। उसके बाद आप अभी एक महीने पहले चालू हुए हैं, उसके बाद ये अगर काम में 10 साल लगेगा तो क्या यही हमारे भारत का विकास होगा? आप राजनांदगांव से कोरबा की रेल लाइन की बात करते हैं, रायपुर से धमतरी की ब्रॉडगेज रेल लाइन की बात करते हैं, इसमें कोई क्यों गवर्नमेंट बात नहीं करती है? हमेशा फ्री का देने का बात होता है। कांग्रेस पार्टी ने जब राम मंदिर का निर्माण हुआ प्राण प्रतिष्ठा के समय एक विषय रखा कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो RSS और BJP का बनाया हुआ मंदिर है। तो इस प्रकार की पार्टी जो खुद कम्युनल प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, उससे किस प्रकार से हिंदू जुड़ेगा, किस प्रकार से हिंदू उस पर आस्था रखेगा, उस पर विश्वास रखेगा, और वो पार्टी कैसे राम मंदिर नहीं जाएंगे तो फिर क्यों हिंदू जुड़ेगा? मैडम एक बहुत बड़ा सवाल है, केदार भैया ने अभी बोला महादेव ऐप के बारे में, तो अभी उनकी छत्तीसगढ़ में सरकार है और सेंट्रल में सरकार है, क्रिकेट लाइव एक ऐप है आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, इसके नीचे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं महादेव ऐप, इसका एडवर्टाइजमेंट अभी क्यों आ रहा है आपकी सरकार? देखिए IT सेक्टर में आप एक नाम को कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो कोई रजिस्टर्ड नहीं है। महादेव सट्टा ऐप जो चलाया जाता था शुभम सोनी के द्वारा और जिसके पैरोकार हुआ करते थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये शुभम सोनी ने कहा है कि मैंने 508 करोड़ रुपए उनको चुनाव में दिए, ये मेरी बात नहीं है, ये महादेव सट्टा ऐप चलाने वाले कहे हैं और हमने उस ऐप को बंद कर दिया। उसके बाद अगर कोई नया ऐप भाई वो क्रिकेट सट्टे का ऐप है, उस पर कार्रवाई होगी, वो बंद होगा जो सट्टा चलता है। ये तो महादेव सट्टा ऐप है ना, इसको चलाने के पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं। देश कौन चला रहा है? देश में अगर महादेव सट्टा ऐप चल रहा है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में ना, इसके पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ठीक है, इन लोग इतने सारे घोटाला किए हैं, अगर हम उस घोटाले की बात करेंगे पूरी रात बीत जाएगी। इन लोग क्या बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनको
रोकना चाहिए। गरीबों को चावल को खाने वाली सरकार है, घोटाले की सरकार है, जनता को गोबर का भी घोटाला किया। आप गांव में जाकर के देखिए, जितने भी गोठान नहीं, यहाँ पर युवा बैठे, जरा यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? अरे मैं नहीं, ये कुछ कोई कुछ नहीं कहना चाहता, सब बैठ के शो देखेंगे, कुछ कहना नहीं चाहते। जी आ रही हूँ आपके पास। मैं मेरी दीदी से कहना चाहूंगा सिर्फ पांच घोटाले गिनवा दे। सुन लीजिए आपके दीदी से कहूंगा पांच घोटाले गिनवा दे। जो यहाँ पे शराब घोटाला किया गया की जानकारी दी गई थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राजनीतिक षड्यंत्र है ना, ये आप लोगों को मालूम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए घोटाले तो इनके सरकार में वो करते थे, 36,000 करोड़ का नान घोटाला फोड़वा कांड, जो महिलाओं को, आप जैसे महिलाओं को मारी, जैसे लोग अंदर है। देखिए घोटाले की अगर बात करें, ये घोटालेबाज ये क्या बताएंगे, कोयला घोटाले में इनके नेता ढेबर अंदर है, कोयला घोटाले में सूर्यकांत तिवारी अंदर है, ढेबर अंदर है, आपने शराब घोटाला में ये क्या बात करी है, देश को पेश करने वाले। सर यहाँ आइए, यहाँ आइए, क्योंकि वहाँ पे लाउडस्पीकर लगा, इधर आइए जी। ये चुनाव केंद्र का है और केंद्र में मोदी सरकार मजबूत है। ये 19 पार्टियां जो मोदी के खिलाफ लड़ रही है, क्या कभी ये हिंदुओं को सपोर्ट में कुछ बोलते हैं? पाकिस्तान में मंदिर टूटते हैं, ये 19 पार्टियां चुप क्यों रहती है? ओवैसी का भाई बोलता है 80 लाख लोग को हम मार देंगे, ये 19 पार्टियां चुप रहती है। अभी कल की बात है, कलकत्ता में, बंगाल में एक जन बोलते हैं 70% को हम लोग गंगा में बहा देंगे, ये 19 पार्टियां चुपचाप बैठती है। अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर खड़े हैं। अमित जी बताइए, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का साथ देगी कभी कांग्रेस? देखिए हमेशा से हिंदुओं के हम साथ थे, हम खुद हिंदू हैं, लेकिन आपको बता दूं, एक तरफ हिंदुओं की बात करने वाले प्रधानमंत्री चुपके से जाके पाकिस्तान में अपने मित्र के यहाँ बिरयानी खाते हैं, जिन्ना के मजार पे चादर किसने चढ़ाया था? अडवाणी जी ने। तो ये इनकी असली चाल चरित्र और चेहरा है, जनता इनको बेनकाब करेगी। खड़े हो जाइए। मैडम दोनों पार्टी यहाँ पे है, ये दोनों अपना घोषणा पत्र लेकर के, घोषणा पत्र पे क्यों नहीं बात करते हैं? भाजपा ये क्यों नहीं बताती है सांसद आदर्श ग्राम योजना? 10 साल मोदी सरकार के 10 साल में इनके जो भाजपा के यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने कितने गांव को गोद लिया और वो कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में केदार गुप्ता जी बताएं। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 7 मई को सभी आम जनता मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो मतदान जरूर करें। दोनों पार्टी के लोग जिस हिसाब से चिल्ला के जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है, अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। ये मोदी की गारंटी नहीं, महंगाई की गारंटी चल रही है। 1 अप्रैल से जितना महंगाई बढ़ा, मेरे बेरोजगार लोग बैठे हैं, अनियमित कर्मचारियों को 15 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस पार्टी, साहब 20 साल इनकी जवानी खत्म हो गई और फिर कमेटी बनाएंगे बोलते हैं। कमेटी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कमेटी, जीरम घाटी कमेटी का रिपोर्ट आया नहीं, आता छत्तीसगढ़ में कोई कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ सकता चुनाव तक के, पटा लो। सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर ये कही है कि देखिए वोट देने जरूर पहुँचेगा, क्योंकि जो मतदान प्रतिशत रहता है वो बेहद कम रहता है। सर माइक तो मेरा हथियार है, मैं तो एक आम कलाकार की हैसियत से कलाकार की वेदना दोनों पार्टियों से कहूंगा, 4 लाइन गुनगुना के। कलाकार तो ही माइक चाह रहे थे जी। कलाकार कल के आकार, साहित्य समाज के दर्पण, पत्रकार के पत्रकारिता करते मंथन बंदन, हे दिया के जलोइया अंधियारी मारई थे मोरे, दिया देखोइया। तो साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं एक आम कलाकार की हैसियत से बोल रहा हूँ, दोनों पार्टी से बोल रहा हूँ, और मैं हमेशा, अभी जब अमित शाह जी हमारे पद्मश्री बारले जी घर आई थी उषा, तो मैंने भी उस समय बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन उसके बाद कलाकारों, किसी भाषण में कहीं पे भी आप नहीं सुनिएगा कलाकारों के बारे में, आप हर किसी के बारे में सुनिएगा, लेकिन कलाकार जो समाज को परिवर्तित करता है, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, इनको कोई नहीं सुना जाता। दोनों पार्टी बोल रहा हूं, दोनों पार्टी से। देखिए पद्म भूषण, भारत रत्न, ये पहले आप अगर कांग्रेस काल में जाए तो देखें, बड़ा सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र पूर्वक बांटा जाता। काल में नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेसी भाइयों को भी भारत रत्न दिया है और कलाकारों को बुलाकर पद्म भूषण दिया है, इसके साथ
एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तक बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, ऐसे कितने कलाकार हैं। मैं छत्तीसगढ़ में कहता हूं कि आप बस्तर क्षेत्र में देखें तो कास्ट कलाकार, आप देखें तो दुर्ग क्षेत्र में पंडवानी में पुरस्कार मिला है, अनुज भाई को पुरस्कार मिला है। तो मैं बोलता हूं कलाकारों का सम्मान, साहित्यकारों का सम्मान अगर कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी। आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने कलाकार को हम क्या किसके बारे में बेहतर सडंगी जी बता पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने फिल्म जगत के लिए, यहाँ के संस्कृति के लिए हमारी सरकार ने काम किया, फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया है, 1.5 करोड़ रुपए का बजट उसमें दिया है, ये किसी सरकार ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी कह रही कलाकारों को दिया, कलाकारों को नहीं दिया, जो भाजपा कलाकार है उनको पुरस्कृत किया। अच्छा, कलाकारों को भी अपनी ब्रांडिंग करी। सर एक मिनट, यहाँ मैम आप आगे आइए प्लीज, आप आ जाइए, आ जाइए। हाँ हाँ, महिलाओं की भी राय जानी चाहिए ना, आप आगे जाइए। मैं दरअसल वहाँ पे स्पीकर लगाए तो आवाज ग्लिच करेगी, इसलिए मैं आपको आगे बुला रही हूँ। आ जाइए, आप लोग आगे जाइए प्लीज, आइए आइए, अरे जल्दी आइए, समय नहीं है इतना मेरे पास। क्या नाम है आपका? मेघा देवांग। मेघा जी, पहले तो ये माइक मेरा, आप इधर आइए, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। हाँ बताइए, क्या करती है आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ नहीं, कोई बात नहीं, होम मेकर बहुत टफ जॉब होता है, हम सब समझते हैं। ये बताइए कि मुद्दा क्या है जिस पर आपको लगता है कि बात होनी चाहिए और आप वोट डालने जब जाएंगे तो आपके जहन में वो मुद्दा रहेगा। माइक मेरा है। ओके मैम, मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट एंड भ्रष्टाचार और धर्म के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। मेन जो आज की जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, क्योंकि यहाँ जो हमारा देश है वो हर रिलीजन से मिलकर बना हुआ है। सो इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर रिलीजन, वी ऑल पीपल आर वन। सो इट्स बेसिकली अबाउट कि क्या मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, सॉरी भ्रष्टाचार है और महंगाई है। बहुत काम की बात आपने कही, आ जाइए आप, यूथ भी हमारे साथ है। क्या करती हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। वोट डालने जाएंगे? जी बिल्कुल जाऊंगे। पहली बार होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। तो एक्साइटमेंट है? हाँ बिल्कुल है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे मेरे हिसाब से ये, यहाँ बैठे बैठे सब सिर्फ घोटालों की बात कर रहे थे। मोदी जी ने इतने एम्स बनाए, इतने हाईवे बनाए, उस पर कभी कांग्रेसी घोटालों की बात करते रहेंगे। जिसने जो किया वो वही देखता है, उन्होंने अपने घोटाले नहीं देखे लेकिन दूसरों के घोटाले देख रहे। क्या इन्होंने एम्स बनवाए, कितने एम्स बनवाए, कितने IIT बनवाए, कितने हाईवेज बनवाए, इनसे पूछ लीजिए। और जो वो सर बोल रहे थे कि यहाँ चार टोक वो तेलीबांधा वाले जितने हाईवे हैं वो बने नहीं, वो बन के चालू हो गए। काम रुका था 2 साल के लिए, वो भी जब सरकार बदली थी, वरना काम बराबर चल रहा था। ठीक है, मैं दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूं। मैं 2019 में चयनित टीचर भर्ती में रहे हूं, 2023 में भी हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आगे के बीएड हटाना है। कल मैं एक न्यूज चैनल के बाइट ला देखा था, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोलते कि हम उनकर पक्ष में, तो हमर मन के का हुई जो 4500 हमन डीएड चयनित अभ्यर्थी है, उनकर मन के लिए का सोचा था? चयनित अभ्यर्थियों का क्या हुआ? अच्छा एक और जी, मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जैसे कि डीएड और बीएड वाला जो मसला चल रहा था, तो डीएड वाले के पक्ष के अगेंस्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों का फैसला इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और नियुक्ति दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का फैसला आ गया है और क्लियर कहा गया कि 6 सप्ताह उनको बाहर किया जाए और डीएड वाले जो है उनको नियुक्ति दिया जाए। सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि अभी 5 हफ्ते बीत गया है, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सब कागज पत्र लेकर यहाँ पर आए हुए। गुड गुड, वेरी गुड रायपुर, तैयारी के साथ आए। जी बताइए। मैं बिल्कुल आगे आइए, बात करते हैं। ठीक, मैं बीएड का जो है सहायक शिक्षक हूँ, मैं कोंडा गांव में पदस्थ हूँ। हमको एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमको जॉब दी गई, हमें यहाँ पर अहर्ता डीएड और बीएड दोनों रखा गया, दोनों यहाँ पर पेपर दिए, मेरिट में नंबर लाए, बीएड वाले सेलेक्ट हुए। फिर बाद में एक समय ऐसा आता है कि 2 अप्रैल 2024 को एक निर्णय आता है हाई कोर्ट का कि बीएड वालों को बाहर किया जाए और उसकी जगह डीएड। वो तो कह रहे ना कि कोर्ट का आदेश है इसमें, लेकिन अहर्ता तो देखिए, अहर्ता दोनों की थी, दोनों ने पेपर दिलाया, मेरिट में नंबर लाया, हम सेलेक्ट हुए। आज जॉब करते हमें 8 महीने हो गए हैं, अब बताइए मेरी जॉब से मेरी रेज्यूम अवश्य अधर में उनका। एक मिनट सर, लौटूंगी आपके पास। केदार जी देखिए, जहां तक कोर्ट का फैसला है हम सभी को सम्मान करना होता है, पर जहां तक रोजगार की बात है और आपके प्रताड़ित होने की बात है, अगर आप चिंतित हैं तो आप चिंतित मत होइए। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, विष्णु का सुशासन है, और अगर कोर्ट के बारे में आपको कुछ निर्णय गलत लगते हैं तो फिर से बड़ा कोर्ट भी है, पर भारतीय जनता पार्टी आपकी बात को सुनेगी और सरकार आपकी बात पर आगे अमल करेगी। वो कह रहे हैं धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। मैम आपने अभी पूछा था कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जनता पार्टी तक का सफर था वो समाप्त होने को है,
और लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई छोड़कर अब सीधा मुद्दों पर अनएम्प्लॉयमेंट, आज जैसे इनको नौकरियों से निकाला जा रहा है और ये सारे जो गर्म ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों के खिलाफ लोग वोट डालना चालू कर दिए हैं। और या तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो उनसे नाराज थे, जो उनके पक्ष में लोग थे, वो वोट देने नहीं जा रहे, इसीलिए परसेंटेज यहाँ। राहुल गांधी लड़ रहे हैं क्या बेटी से? राहुल गांधी लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा ठीक है, जान लेते हैं अभी। जी भाई साहब कह रहे थे कि मुद्दे पर चुनाव होते तो हाँ बिल्कुल मुद्दे पर होते हैं, तभी तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार बदल के भाजपा की आई है। और जितने मुद्दे थे पूरे हावी हुए और जितने भ्रष्टाचार हैं वो वहाँ। मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोग महंगाई और बेरोजगारी पर बोलते हैं, मेरे को दो बंदे चाहिए, मेरे को लड़के नहीं मिल रहे, नौकरी दे रहा हूँ लड़के ही नहीं मिल रहे। और महंगाई की जो बात कर रहे हैं, जब सिलेंडर सस्ता था, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब सिलेंडर सस्ता था तो मेरे घर में एक भी नहीं था, और जब महंगा है तो आठ है। पहले मैं साइकिल में तरक्की नहीं के काम की हो रही है। हाँ जी बताइए। देखिए जनता मोदी जी से खुश है, ये भैया खुद बता रहे हैं, जब एक सिलेंडर मतलब सस्ता था तो नहीं था और महंगा हुआ तो है, तो मोदी जी से पूरा देश खुश है और अब की बार 400 पार है। ताली बजा रहे, आगे आइए। विश्वास जी के कैमरे पर हैं आप, हैं कैमरे पर हैं। मोदी है तो इंडिया सही चलेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे पूरा हिंदू भी लोग। अच्छा ठीक है, आइए आइए। अरे इधर आइए। मैं पहले सर पहले रुकिए, सवाल पूछने का अधिकार मेरा है, मैं पूछूंगी पहले। ठीक है बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयेश कुमार गोहिल है। जी जयेश जी बताइए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान बीजेपी की सरकार है। मैं दोनों पक्षों से ये जानना चाहता हूँ, जितने भी शौचालय है अपने रायपुर शहर के अंदर में, इसमें पदस्थ बिहारी पंडित क्यों है? बिहारी पंडित क्यों है? और अगर उसमें बिहारी पंडित और ब्राह्मण अगर शौचालय में बैठते हैं, मैं मेरे पास सबूत है, शौचालय बिहारी पंडित लोग चलाते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के एसटीएससी मर गए हैं क्या? क्यों कांग्रेस की सरकार बीजेपी की सरकार वहाँ पे हटा के छत्तीसगढ़ियों को मैम लेंगे लेंगे जवाब लेंगे बताइए। मैं पहले केदार गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन हमें सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है और हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है, सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, कृपया इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई है? बाकी फिर मैं राहुल गांधी वाले सवाल पर आ रही हूँ आपके पास। देखिए मैंने कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, मामला कोर्ट का है और कोर्ट के अपने नियम कायदे होते हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है निश्चित रूप से, मैं बहुत जिम्मेदारी। एक हफ्ते का समय उनके पास, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है, वहाँ किसी के पास कोई सवाल? आइए आगे आइए। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी आज ये देश का चुनाव है तो देश के हद तक एक बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अभी सिर्फ एक पीआर एजेंसी बन के रह गई है, एक जो इनकॉम्पिटेंट लीडर है उनका, उसको उनको आगे बढ़ाना है। ये कौन है इनकॉम्पिटेंट? वो सभी को पता है, सब लोग अभी जवाब दे देंगे कौन है। आप नाम ले लीजिए। राहुल गांधी। और कौन है? सिर्फ उसका पीआर करने के लिए ये चल रहा है कांग्रेस पार्टी, और कुछ नहीं चल रहा है। बीजेपी जो है वो सिर्फ राष्ट्र को, राष्ट्रवाद के लिए चल रही है, देश के लिए चल रही है, वही चलेगा, देश का ही चलेगा। जी मैं, मेरा सवाल ये है करंट गवर्नमेंट से कि हमारे हसदेव जंगल को क्यों काटा जा रहा है करंट समय पर? सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को रिलॉन्च करने के लिए ही आप बार बार लगे हुए हैं। बस देखिए, राहुल गांधी से इस देश के युवाओं को भी उम्मीद है, इसलिए बार बार राहुल गांधी की चर्चा करते हैं। राहुल गांधी तो है ना जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पैदल चले थे, महंगाई की बात किए, महिलाओं के सुरक्षा की बात किए, जो देश को जिससे उम्मीद होता है ना उसे बात करते हैं। और सुनिए ना, ये जो हमारे भाई साहब कह रहे थे राष्ट्रवादी बात है, तो 2014 के पहले मुझे लगता है कि इस देश के सभी लोग राष्ट्रवादी थे। वो राधिका खेड़ा को लेके बोल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, एक सुन लीजिए मैडम ना। ठीक बात बोलते, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया। और वो राधिका खेड़ा वही है जो एक मिनट राधिका खेड़ा वही है जो इस देश की महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। सुन तो लीजिए ना बेटा, आप काहे पड़ताड़ी थे? सुन, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। समझ लीजिएगा कि देवगौड़ा के पोता जब 2972 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करती है ना, उसकी आवाज को उठाता तो राधिका खेड़ा है। मणिपुर में महिलाएं जब नग्न घूमती है और मोदी जी सूट बूट में घूमते हैं ना, उसकी आवाज को उठाता है तो राधिका खेड़ा है। अगर महंगाई पे कोई बात करता है तो स्मृति ईरानी बात नहीं करते हैं, वो राधिका खेड़ा है। और आपकी बात,
आपकी बात भी राधिका खेड़ा ही जी उठाएंगे, क्योंकि आप भी महिला हो। हसदेव के जंगलों को लेकर आखिरी जवाब। देखिए, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने हसदेव में खोल सकते और वहीं पर कट रहे थे, उसी समय पेड़ों की कटाई। उप मुख्यमंत्री थे वो बोले कि एक भी पेड़ कटेगा तो मेरी लाश के ऊपर से जाएगा, पर ना वो लेटे ना पेड़ कटना बंद हुए। ये भूपेश बघेल का कारनामा है। इतना ही समय मेरे पास, चुनाव एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ की बाकी सीटों का हाल भी लगातार आपको बताते रहेंगे और न्यूज चुनाव एक्सप्रेस का सफर चलता रहेगा।